हार करके भी जीत सकते हैं और लोग जीत करके भी हार जाते हैं। एक दो छोटी छोटी घटनाएं मैं अभी सुबह सुबह पढ़ रहा था। लॉरेंस एक ओलंपिक में शामिल हुआ था, बहुत पुरानी घटना और सच्ची है, विदेश की है। नौका दौड़ थी वो, और उस नौका दौड़ में उसकी नाव सबसे आगे थी, और लगभग तय था कि इस ओलंपिक में जीतेगा वो ही। लेकिन अचानक उसने देखा कि उस प्रतियोगिता में शामिल होने वाला एक प्रतिद्वंदी, उसका प्रतिद्वंदी बहुत मुश्किल में है। उसकी नाव, उसने ध्यान नहीं रखा है, निरंतर भंवर की तरफ बढ़ती चली जा रही है। अगर उसकी जगह कोई और प्रतियोगी होता तो शायद वो इस बात की चिंता नहीं करता। अपनी जीत के लिए व्यक्ति क्या नहीं करता। अगर दूसरे की नाव डूबती है तो बहुत अच्छा है, जीत तो मेरी होगी, और ये तो अपने आप ही डूबने की तरफ है, जो मेरा कॉम्पिटिटर है, बहुत अच्छा हुआ। ऐसा लॉरेंस ने नहीं सोचा, हम और आप सोच सकते हैं। पड़ोसी का घर मेरे से ऊंचा बन गया है, ये बात पीड़ा देती है, और जिस दिन पड़ोसी मुश्किल में होता है ये बात मुझे सुख देती है। अगर ये लाइफ स्टाइल है तो हम अपने जीवन में कभी वास्तविक सुख नहीं पा पाएंगे। ये बहुत गौर से देख लेना, हमारे अपने जीवन में कहीं ऐसी चीज एकदम तो नहीं आएगी समझ में, किसी के नहीं आती। अरे कौन होगा जो दूसरे को दुखी देख करके सुखी होगा। अभी अभी मेरे सामने ला करके उन्होंने, जब मैं भैया वृत्ति करवा रहा था तो एक पेपर रख दिया, उस पेपर में पीछे बहुत बढ़िया फोटोग्राफ था जिसमें कोई खेल होने वाला है शायद, उसमें आतिशबाजी की गई थी, बहुत खूबसूरत आतिशबाजी, और बहुत खुश हो रहे थे लोग। हम लोग भी खुश होते हैं कि वाह क्या आतिशबाजी, मजा आ गया। लेकिन ये हिंसा में आनंद मानना नरक का कारण है, ये किसी को नहीं मालूम। हम आतिशबाजी में खुश हो रहे हैं, हमें वैसे नहीं मालूम पड़ता कि हम दूसरे के दुख में, हम कौन, हम ऐसे थोड़ी हैं कि दूसरे के दुख में सुखी हों। और ये क्या कर रहे हैं हम, जब जब दूसरे को पीड़ा पहुंचती है फब्बारा देख करके और उसमें लाइटिंग देख करके हम खुश होते हैं। वो एक इंद्री जीव अपने प्राण दे रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं, इसके मायने हैं कि हम हिंसा में आनंद ले रहे हैं। इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, ध्यान जाना चाहिए। हमारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस तरफ अगर हमारा ध्यान चला जाए तो हमारा लाइफ स्टाइल अपने आप चेंज हो जाएगा। लॉरेंस ने अपने प्रथम आने को स्थगित कर दिया और फौरन अपनी नौका मोड़ करके, लोग चकित हैं, तालियां बजनी बंद हो गई हैं कि क्या कर रहे हैं, प्रथम आने वाले थे, दूसरे प्रतियोगी आगे आ जाएंगे, ये मोड़ क्यों रहा है। वो मोड़ करके वहां ले जाता है, और इससे पहले कि उसकी नाव भंवर में फंसे वहां से उसको खींच करके ले आता है। हार गया वो, दूसरा प्रतियोगी जीत गया है, लेकिन सारी दुनिया उपस्थित थी वहां पर। वो कहती है कि जीता कोई भी हो लेकिन विजेता तो लॉरेंस ही है, और सबने उसका सम्मान किया। क्या आज हम इस तरह अपने जीवन में अपनी महत्वाकांक्षाओं को उतना ही पूरा करेंगे जिससे अपनी और दूसरे की क्षति ना हो? क्या इस तरह का विचार डेवलप कर सकते हैं अपने भीतर? महत्वाकांक्षी तो होना ही चाहिए, लेकिन एम्बिशंस उतने ही ठीक हैं जिससे मेरे और दूसरे के जीवन की क्षति ना हो। ये विचार क्या हमारे जीवन को हम अच्छा बनाने के लिए नहीं दे सकते हैं? जीवन तभी अच्छा बनेगा जब हमारा विचार इस तरह का होगा। आज हम आने वाली पीढ़ी को बहुत महत्वाकांक्षी बना रहे हैं, बहुत प्रतियोगी बना रहे हैं, बहुत कंपटीशन में उसको दौड़ा रहे हैं, एक अंधी दौड़ में उसको शामिल कर रहे हैं। काहे के लिए कर रहे हैं? अपनी प्रतिष्ठा के लिए।